चलो बातें बंद करो, कल देखो क्वेश्चन डाल दे ग्रुप में दो तीन, तुम आए नहीं थे क्या ऋतिका? तो फिर तुमने क्वेश्चन किए नहीं क्या? समय कहाँ है पढ़ाई के लिए? समय कहाँ है? तुम्हारी सहेली नहीं आई आज? आप तो सबकी सहेली पता चल गई है, कौन किसकी सहेली है। पानी पीने गई है, आ जाओ। हाँ पूरे ड्रेस नहीं आई है, सही है। तब हेलो हेलो मत करो, फोन खराब है इसलिए फोन नहीं लग रहा है। बाहर जाके बातें करो, कोई कुछ कहता है तो चीख के तो ऐसे है पता नहीं जैसे कुछ ने क्या गलत कह दिया हो। डिसिप्लिन में बिल्कुल नहीं रहते हैं। देखो एक क्वेश्चन डाला था 5 से लेकर 10 तक, बेटे एक क्वेश्चन डाला था ग्रुप में, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक। पीछे के लोग बातें ना करें, आवाज आने दें। आ जाओ आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन था ठीक है, और ये वीडियो घुमा दो इधर को, आप जिससे कहेंगे वो खड़ा हो जाएगा, बताए क्वेश्चन में क्या था। ठीक पीछे से स्टार्ट करना, सबसे पीछे तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया था? ग्रुप में डाला है देखो। हाँ तो उसमें क्या पूछा गया था? मेरे क्या स्पेशली कुछ थोड़ी डाला है भाई, सभी के लिए डाला था ना, बताया था पाई चार्ट क्वेश्चन कराए थे 3-4, बाकी 4-5 क्वेश्चन आपके ग्रुप में डाले थे, आपको करने थे, तो आपने कहीं किए होंगे, कॉपी निकाल लो जहां पर किए हैं सब लोग, कोई एक नहीं पर्सनली सबकी बात कर रहे हैं, अपनी अपनी कॉपी निकाल लो, क्वेश्चन दिखाओ कहां कहां किए हैं, अब वरना आज की छुट्टी तो मैं पढ़ाने की फायदा कोई थोड़ी है, कहां पर किए थे, क्यों नहीं किए, रात में क्यों देखा था, कितने बजे डाले थे, कितने बजे देखा रात में, हाँ उसके बाद पूरा दिन हो गया, तो अब सुबह से क्या किया था, तुरंत सुबह कॉलेज आ गए थे, बैठ जाओ, तुमने कहा किए, क्यों नहीं किए हैं? तो जो क्वेश्चन ग्रुप में डाले थे वो देखे थे क्या? शाम को 7 बजे देखे थे, फिर उसके बाद उस बात किए नहीं, तुमने ग्रुप में वाले क्वेश्चन देखे थे किए, समझ में नहीं आया, तुमने नहीं, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, भैया के पास मोबाइल है तो भाई क्वेश्चन तो नोट कर सकते थे, भैया ने बताया नहीं, तो भाई ग्रुप में फिर नंबर नहीं देना है अगर जिसके पास मोबाइल नहीं है, पता तो भाई ग्रुप में नहीं है, सीधी सी बात आपने, हाँ जी देखो कह दिया ग्रुप में नहीं है, क्यों नहीं हो, तो फिर रोल अटेंडेंस कैसे लगती है, वेरी गुड, तुमने दिखाओ कहां पर क्वेश्चन किए, क्यों नहीं किए, जो बेटा जो तुम सीख रहे हो, जो कॉपी खुली है, क्या खुली था अभी, वो हम ही जानते थोड़ा, तुम बताओ उसके बारे में क्या है खुला हुआ, वो कौन सा कंप्यूटर, वो अलगर तुम लिखी हुई है किसी की, अरे वो C++ सीख रहे हो, उसका ही लिखा हुआ HTML का पूरा, तुमने क्वेश्चन क्यों नहीं किए,
तुमने क्यों नहीं किए? तबीयत खराब क्वेश्चन को। सर अभी मुझे फीवर है। कोई बात नहीं, फीवर में तो आ तो रहे हो तुम लोग। देखो भाई, अगर तुम चले गए तो ये प्रॉब्लम तुम्हारी है। पढ़ के गए थे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए थे, लिखे होने चाहिए थे। तुम्हारे हुए सारे? दो तीन नहीं हुए। सभी नहीं हुए? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमने जो यहाँ पर आया किया, बाकी फोन खराब हो गया था। तुमने क्यों नहीं किए? बैलेंस खत्म हो गया था। तुम लोगों ने भाई, तुम तो आ रहे, तुम कहीं से आ नहीं रहे हो? तुमने ग्रुप में दिए? देखो देखो कुछ टाइम पड़ा हुआ है भाई। तुमने क्यों नहीं किया? तुमने याद कर रहे थे कि याद किया? अरे बात नहीं करना है भाई। जब याद रखो, दिमाग घूमे तो खड़ा वहां पर कर देंगे आपको, क्वेश्चन करवाएंगे वहां पर खड़ा करके। आपको हर चीज मजाक लगती है, इतनी मजाक नहीं होती है। ज्यादा मजाक करो, जिंदगी मजाक करने लगेगी फिर, और फिर दिक्कत होने लगती है। आपको याद रहता फ्री में मिलना है, फ्री में पढ़ा तो रहे सर जी, दिक्कत क्या है इसमें? तो फ्री वाला काम नहीं, तो फ्री का लगता है तो चुपचाप घर बैठो। क्यों, पढ़ाई पढ़ाई होती है, पढ़ाई के लिए पैसे की अगर जरूरत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा, खाली टीचर पागल नहीं बार बार चीख रहा है। तुम लोगों ने क्यों नहीं किए भाई? बाकी ग्रुप जो पानी पी के आए, सारे क्वेश्चन किए थे घर पे? तुमने कितने किए? सारा तुमने दिखा दिए। तुम लोगों ने, आप ग्रुप में ऐड नहीं हो, किन दिन से कोचिंग आ रहे हो? लगभग 25-30 दिन हो ही गए होंगे। अब तक ग्रुप में ऐड क्यों नहीं हो? फोन नहीं चलाते हो है? फोन फिलहाल ग्रुप में ऐड हो तो सर बार बार कहते हैं कि जो ऐड नहीं, ऐड हो जाओ। तुम लोगों ने क्यों नहीं की? कॉपी में किए थे घर पे, कल कॉपी लेके आना। तुमने फोन नहीं, तुम किए हैं? तुमने भी किए नहीं किए? ठीक नहीं हुआ। इधर कितने? 18 तक हो गए। बाकी तुम लोग कॉपी तो अपनी बनाते ही हो गए है ना, कोई फेर वेर जैसी भी रखो मैथ की। मैथ के पर चैप्टर में कम से कम कोशिश ये कर दें कि लगभग हर वैरायटी के 5 से 6 क्वेश्चन करा दें। जैसे ही प्रतिशत में लगभग तुम लोगों ने बताया था 92 के आसपास क्वेश्चन हुए हैं। इतने क्वेश्चन तो किताब तक में नहीं मिलते हैं। अब एक ही जैसे 20 क्वेश्चन मिल जाए तो वो क्वेश्चन कोई थोड़ी हुए भाई। एक जैसे 2 क्वेश्चन हो फिर अलग हो। मान लो तुम एक जैसे 20 क्वेश्चन लगा लो, कोई फायदा नहीं है। अरे 2 क्वेश्चन काफी है, उसके बाद नए क्वेश्चन आए, वहां पर रिपीटेशन भी दूर चलता है, एक जैसा एक ही क्वेश्चन मिलता है बस। अब तुम क्या है, तुम सीरियस ही नहीं हो रहे हो। बहुत सारे लोगों को क्या लग रहा है, हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम मैथ को थोड़ी पढ़ेंगे। तो बिना मैथ के तुम्हें क्या लग रहा है, यूपीएससी छोड़ो, तुम कोई सा ग्रुप डी का एग्जाम बिना मैथ के निकाल के दिखा देना, मैथ का और रीजनिंग का। तुमको अभी तो यही पता नहीं कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, पेपर कौन कौन से आते हैं, तुमको रियलिटी ही नहीं पता है। तुम पता नहीं कहां जी रहे हो। वहां पर अगर लिखने को ये आ जाएगा, सिंधु सभ्यता के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताइए, क्या लिखोगे? तुम्हें तो मैथ आता ही नहीं है, तुम्हें तो ऐसा लग रहा मैथ की जरूरत ही नहीं है। तो वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा भाई कि भाई पहले वो लोग ऐसे करते थे, इतना इसमें इंक्रीज हुआ, इतने परसेंट इसमें ऐसा आ गया, ऐसा कुछ कुछ नहीं बताओ क्या भाई, तुम्हें लिखना पड़ेगा। अब तुम यह सोच रहे कि हम तो मैथ पढ़ेंगे ही नहीं। नहीं पढ़ोगे तो मत पढ़ो भाई, कोई जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता तुमने। पर आ रहे हो उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो ये तो गलत बात है। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन 5 से लेकर 10 तक है, बता रहे हैं क्या क्वेश्चन थे। ग्रुप में इसलिए क्वेश्चन डाले जाते हैं जिससे कि दोबारा वो क्वेश्चन ना कराने पड़े, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा सकें। अब तुम सोच रहे ना सर जी, एक ही जैसे क्वेश्चन करा दे रहो बस, तो सिलेबस कैसे हो पाएगा? चलो जिन्हें ना लिखा हो तो ये वाला डायग्राम बना ले। इसमें विद्यार्थियों की कुल संख्या है, अपने ग्रुप में देख सकते हो, विद्यार्थियों की कुल संख्या
कितनी है 1800। ठीक है भाई, ये सबको डाटा दे रखा है। पहला क्वेश्चन है ये वाला, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने, उसके हिसाब से नृत्य चुनने वाले, करो इसको भी, नृत्य चुनने वाले, नृत्य चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करो। विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करो। निकालो इसमें से, तुमने कर लिया है तो जिन लोगों ने नहीं किया फटाक से आंसर बताओ, जिन्होंने किया वो अपना आंसर बताएं क्या आ रहा है। आंसर बताओ क्या, 600 ये आ रहा है ना। ठीक, छह सौ चौरासी आएगा पूरा पूरा। इतनी बढ़िया गवर्नमेंट स्कीम चला रही है अवध योजना। अगर बच्चा पढ़ने वाला है ना, पहला क्वेश्चन नहीं बनता, अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो बिना पैसे दिए इतने इतने अच्छे टीचरों से पढ़ सकता है कि वो अगर पैसा देगा तो लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे एक महीने, मतलब एक साल में, तब भी ऐसे टीचर नहीं मिलेंगे। तुम्हें कौन पढ़ाएगा, जिनने किया तो बीकॉम में पढ़ा के आ रहे हैं मैथ, ऐसे लोग पढ़ाएंगे। तुम कोचिंग जाकर पढ़ के देखा करो, उन्होंने क्या किया है, बीए किया है सर जी, किससे, भूगोल से पढ़ा के आ रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, ऐसा होता है, पढ़ रहे हैं भाई, लोग पढ़ भी रहे हैं, अच्छा ही बताते हैं, ऐसा नहीं भाई अच्छा नहीं बताते हैं, समझ में भी आ रहा है, क्यों समझ में आ रहा है, पैसा जा रहा है। पैसा तो एक ऐसी चीज बनाई है, पैसा तो ऐसी चीज बनाई कि तुम्हें हर चीज समझ में आने लगेगी, तुम्हें दिन में तारे दिखने लगेंगे, बस पैसा मिले या पैसा जाए। पूरा पूरा आ रहा है देखो, ये 684 तुमने बताया है भाई, इसका आंसर बताओ क्या क्या निकल के आ रहे हैं, किसी और का इतना ही आ रहा है। क्या करोगे पहले तो ये बताओ, नृत्य की बात करें, नृत्य में कितने प्रतिशत है, 38, कुल कितने प्रतिशत होते हैं, 100, 100 का मान किसके बराबर है 1800, तो 1% का मान कितना हो गया 18, 1% का मान 18, नृत्य में कितने हैं 38, तो 38% का मान निकालना हो तो 18 गुणा किससे कर देंगे 38 से, करो गुणा देखो, जब से योजना चल रही तुम लोग एनसीईआरटी कर कवर करना चाहते, धीरे धीरे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सब कवर कर ली होती, जो कर देना कि पूछते रहते सर जी कैसे तैयारी करें, कुछ लोग हमेशा पूछते ही रहते हैं, करते कुछ नहीं है, जे किताब से पढ़ लें, लक्ष्मीकांत ले लें ले लो, परीक्षा वाणी ले लें ले लो, उसकी आती है कौन सी विजन आईएएस में से दृष्टि ले लें ले लो, अरे पढ़ तो रहे हो कुछ खा ही ले लो, फोन से बात ना करो, क्वेश्चन करो। 684 के अलावा और कुछ आ रहा है कि यही आ रहा है, यही आ रहा है ना, देखो कैसे, तो कुल कितने होते हैं भाई, कुल जब परसेंटेज में दे रखा होगा तो किस में चलते हैं हम लोग, परसेंटेज में, और डिग्री में दे रखा है तो कितना देते हैं, कुल 360 डिग्री, तो कुल 100% का मान किसके बराबर है 1800, क्या चीज, विद्यार्थी, 1800 विद्यार्थी। अगर हम लोग यहां से 1% का मान निकालने तो देखो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, कितना आ गया 18 विद्यार्थी, तो 1% का मान कितना आ गया 18 विद्यार्थी। हमको निकालने कौन से हैं, नृत्य वाले, तो भाई नृत्य में कितने प्रतिशत हैं, तो देखो डायग्राम से दिख रहा है साफ साफ 38% हैं, मतलब हमको 38% का मान निकालना है, एक का मान कितना आ गई 18, तो 38 का कितना होगा 38 गुणे 18, जैसे मन करे वैसे गुणा करा लो, 18 8 144, हासिल कितने लग गए 14, 18 3 54, 54 में कितने जोड़ने हमको 14 भाई जोड़ो 8 और 6, कितना आ जाएगा 684। ये पहला वाला था, दूसरा वाला देखो, देखिए लिख ही दे रहे हैं ना, छठे नंबर का है जो,
छठा वाला है पेंटिंग चुनने वाले, पेंटिंग चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या पेंटिंग चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या एवं कराटे चुनने वाले एवं कराटे चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात है, क्रमशः अनुपात है। इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा? 16:5। सब लोग कर दो, का यही आ रहा है 16:5। तो जब भी अनुपात पूछेगा तो कैसा हो जाएगा? आसान। क्यों? क्यों फिर कुछ नहीं करना है, उसमें हमें दे रखा है, उसका अनुपात निकाल देंगे जो भी होगा। तो पहले पेंटिंग, पेंटिंग कितने लोग चुन रहे हैं? कितने लिखा है? 32। तो क्रमशः का मतलब क्या होता है? क्रम से, मतलब पहले पेंटिंग का आ गया तो पहले पेंटिंग, तो पेंटिंग वाले को लिखो। चलो यहां से करते हैं क्वेश्चन। पेंटिंग कितने चुनने हैं? 32। ठीक, 32। अनुपात का मतलब बटे में निकालते हैं, ठीक है भाई। फिर कराटे, कराटे में कितने हैं? 10। ये देखो, पेंटिंग में 32, कराटे में 10%। भाई ये प्रतिशत ऐसे लगा लो भी, गलती ना हो। अब हम जानते हैं, हम प्रतिशत निकालेंगे तो भाई इसका भी 1800 से गुणा होगी इसकी, तो कट जाएगा। कोई बात नहीं, अनुपात पूछा है तो डायरेक्ट कट गए। कितना आ जाएगा? 32/10। दो के पारे से काट लो, 16 आ जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा? 5। अब देखो 16 और 5 किसी एक संख्या से नहीं कट रहे हैं, तो अनुपात में कैसे लिखोगे? लिखेंगे 16:5। जो लोग बी एम ए कर रहे हैं उनसे गुजारिश है, कृपया लाइफ में एक आध बार जरूर नेट का तैयारी करके जरूर देखना। नेट का है ना, एनईटी नेट, यूजीसी नेट, इतने नामों से आता है। तुमको कम से कम पता चलेगा पढ़ाई का आखिर सही में मायना क्या है। खाली शादी के लिए पढ़ाई मत करना, कोई अपना और काम स्टार्ट कर देना, ज्यादा बढ़िया है, पढ़ाई करो। और देखो, बहुत से लोगों में एक मिथ्या होती है कि बीए वालों की तो 50% ऊपर बनती नहीं है। हमारे साथ के ऐसे लोग हैं कि 90 के आसपास है, कोई जेएनयू से, कोई बीएचयू से, सब 85 से प्लस ही है, सब बीए वाले हैं, है ना। उसके बाद फिर वो एमए कर रहे हैं, एमए में भी उनकी 85 प्लस ही बन रही है, किसी की 80 बन रही है। हम ही ने अभी जल्दी में एमए किया, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल पढ़ से मजा आता है ना, हम डावा एमए कर लें। तो हमारी पहली बार तो, हम तो इंग्लिश में लिखते हैं, तो पहली बार तो कम बनी थी ऐसी 65 के आसपास, इस बार 72-73 बनी। तो हमें लगा खाली लोग अफवाह उड़ा देते कि इनसे 60 से ऊपर बनती नहीं है, बड़ी मुश्किल से बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही से पढ़ के लिख के जाओगे तो क्यों नहीं बनेगी भाई? एग्जामिनर आपका दुश्मन भी थोड़ी बैठा है कि ना लिखो अभी लोग काटते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने खुद देखा अपने अगल बगल में लड़कियों को, लड़कों को लिखते कैसे हैं, वो ऐसे लिखते हैं अब्बल दो में लिखा जाता है, एक लाइन ये लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ देनी, दूसरी लिखनी है। उनको तो रियल में ऐसे कार्ड दे, जीरो दे और उनका रजिस्ट्रेशन कर दे कैंसिल, कि अब ये बीए करने के लायक है नहीं, पहले इनसे हाई स्कूल फिर से करवाओ। भाई अपने देश में गरीबी तो है ही, ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है? हाई स्कूल में सब पास, अब जी ऐसे अगर हाथ खाएंगे, हमें नौकरी दो, हमें नौकरी दो, आता जाता कुछ है नहीं। इंटर में सब पास, पास तो छोड़ो, वो जमाने निकल गए कि फर्स्ट डिवीजन वाला दिख जाए। अब वो जमाने हैं कि फर्स्ट डिवीजन वाला क्लियर दिख जाए, उसकी बेइज्जती करने की, तेरी फर्स्ट डिवीजन आई है। तो एजुकेशन स्तर गिरता जा रहा, ना कि बढ़ता जा रहा है, तुम खुद जानते हो इस बात को। लोग पहले अगर फर्स्ट डिवीजन से इंटर पास कर लेते, लोग मिलने आते थे है ना गांव में, उनका लड़का या फिर उनकी बहन फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है। आज के जमाने में फर्स्ट डिवीजन आ जाए तो बहुत लोग बेकार नजर से देखते हैं, फर्स्ट ही आ पाई, 90 से कम नहीं है। सातवां क्वेश्चन करो भाई, संगीत चुनने वाले, संगीत चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या, संगीत चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या
खेल कूद चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा? अधिक है। कितना आ रहा है? 30। सब लोग करो, देखो क्या क्या आंसर आ रहे हैं। फिर ये क्वेश्चन नहीं कराएंगे जो दिए हैं, उसके आगे क्वेश्चन कराएंगे। 18 तक हो गए ना, उसके आगे कराएंगे। फिर भाई क्वेश्चन आप करके लाओगे अपने आप? नहीं बेटा, कैसी बात कर रहे हो? जिसमें बोलने लिखा है पाई चार्ट पूरा देखो लिखा है, उसमें देखो कितने क्वेश्चन है। देखो अगर आपके में आया होगा तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ये वाला जो हमने थोड़ा सा ऐड करके उसमें किया था ना, पिक्सेल ऐप पे जाके पाई चार्ट लिखा था, ये वाला क्या नहीं पहुंचा सबके पास? तुम ग्रुप से बाहर हो क्या? तुम्हारे में आया ही नहीं? एक और आया था। अच्छा, एक आया कि दो आए? किसी के में दो आए, किसी के में एक आए। चलो कोई नहीं, तो आप भेज दिया है फिर से एक बार। अगर जिसके में ना पहुंचा हो, आपको ये वाले क्वेश्चन कहां से करने हैं? घर से करने हैं भाई। कुछ क्वेश्चन और कराएंगे, देखो पाई चार्ट वाले हैं ना, जिसे खत्म हो जाए बढ़िया से, समझ में आ जाए। बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिल रहा जिसमें दो डायग्राम आते हैं। तो पहले इसका आंसर बता दो, फिर दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। क्या पूछ रहा है? संगीत चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या खेल कूद चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या से। तो दोनों ही पहले आप बताओ, संगीत कितने लोग चुन रहे हैं? संगीत पूरा बोलेंगे, आठ क्या चीज परसेंटेज, ठीक। संगीत चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या खेलकूद, अब खेलकूद कितना चुन रहे हैं? खेल और कौन सा कूद? खेलकूद। ये कितने परसेंट चुन रहे हैं? 5। इधर देखो भाई, अगर परसेंटेज इनके हट जाए तो ये 8 और ये कितना हो गया? ये वाला इससे कितना अधिक है? 3। कितना अधिक है भाई? 3। कितने पर 3 अधिक है? अब बताओ, ये तो अभी पढ़ के आए हैं। आप कह रहे हैं ये वाला अधिक है भाई, कितना अधिक है? 3 अधिक। कितने पर? 5 पर। तो क्या लिखोगे? 3/3। तो कितना अधिक है? 3/5 अधिक है। ये किसका मान होता है परसेंटेज में? 3/5। 1/5 किसका मान होता है? 2/5 किसका होता है? ये किसका होता है? तो आंसर क्या आएगा? 60%। चाहो तो निकाल लो और समय बचाने की डायरेक्ट याद रखा करो, 3/5 × 100। 5 से काटेंगे 20, 20 दिया तो ये गलत आ रहा था। बी ऑप्शन होगा सही, क्या पर? 60%। चलो ये वाला हो सकता रह गया हो, अगर नहीं पहुंचा है तो अब पहुंचा दिया है ना, अब कर लेना सही से। पहले तुम्हारे में एक ही पहुंचा ऐसे कैसे? तो जो लोग कह रहे थे हमारे में एक ही पहुंचा है, उनके में जो पहुंचा है वो क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26 भी पहुंचे हैं। ये तो पहुंचे हैं ना, ये तो पहुंचे हैं। अरे इस पे तो हाँ बोल दो,
उसका कौन सा वाला ना, कौन सा नमा? अभी एक मिनट कोई देख ले कौन सा वाला पूछ रहे। अच्छा बेटा बता दे। अच्छा एक है इसमें सातवें का आठवां हो गया होगा है ना। चलो वैसे हो जाना चाहिए नवे वाले में, ऐसा क्या था। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ ये वाला, इसी वाले क्वेश्चन से है। क्रिकेट एवं नृत्य, लाइट कहां कहां से पड़ रही है। क्रिकेट एवं नृत्य, किसी घड़ी की लाइट पड़ रही है। क्रिकेट एवं नृत्य चुनने वाले, क्रिकेट एवं नृत्य चुनने वाले छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या पेंटिंग एवं, ये क्वेश्चन कराया था वैसे को, पेंटिंग एवं कल एक दो बजे क्वेश्चन कराया था, पेंटिंग एवं संगीत चुनने वाले, पेंटिंग एवं संगीत चुनने वाले छात्रों की संख्या से, छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। निकालो भाई कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है। क्रिकेट एवं नृत्य तो हम दोनों जोड़ देंगे, कल कराया था ठीक। क्रिकेट कितने खेल रहे हैं, सात, नृत्य कितने हैं 38, सात और 38 कितने हो जाएंगे 45, ठीक हटाओ एक वो हुए। पेंटिंग कितने हैं 32, संगीत 8, 32 और 8 40, 45 और 40 कितना अधिक है, 5 अधिक है, कितने पर 40 पर, तो 5/40 काटा पीटी मचाओ 1/8, 1/8 का मान कितना होता है, 1/8 का मान परसेंटेज में 12.5%, ऐसे बैठ गए जैसे। साढ़े बारह आएगा पूरा पूरा बेटा, 12 से 1/2 आना चाहिए ना, तो फिर तुम्हारा 20/36 नहीं आया, 20/40 कहो तो मान लेंगे चलो 1/2 जाएगा, पूरा पूरा आएगा बेटा कितना 12.5। देखो करते कैसे, तो कल हमने आपको सिखाया था क्या कहा, क्रिकेट एवं का या फिर और का, तो क्या होता है जोड़ना। तो क्रिकेट में कितने खेलना है सात, देखो यहां पर हम लोग क्या लिख लें भाई, क्रिकेट एवं निरत, तो क्रिकेट में कितने भाई सात और नृत्य में कितने परसेंट है 38, दोनों जोड़ो कितने हो जाएंगे बेटा 45। दूसरे कौन कौन से हैं इधर, पेंटिंग, पेंटिंग और संगीत, तो पेंटिंग में कितने हैं 32 प्लस संगीत में कितने 8, कितने का बेटा 40। ये वाले इन वालों से कितना अधिक है, आप बताओ कितना अधिक है 5, तुम्हें कैसे पता, क्योंकि किससे कंपेयर कर रहे हो 40। काटा पीटी बताओ कितना जाएगा 1/, हमको पता है 1/8 का परसेंटेज मान कितना होता है 12 सही 1/2%, या फिर इसको क्या बोले 12.5%, ठीक। मान लो जिनको याद नहीं वो क्या करेंगे, वो 1/8 गुणा क्या करोगे 100, बड़े पाड़े काटो 4 से काटो 4 दूनी 4 से काटो कितना जाएगा 25/2 आ रहा है बेटा, और 25 का आधा कितना होता है 12.5। चाहे ऐसे कर लो चाहे याद रखो, हमने बताया था टाइम बचाना है, वहां टाइम गवाना नहीं है। 1/8 आ गए, 1/8 का मान कितना होता है 12.5%। कौन था बेटा है 30 वाला कराएंगे अभी, उससे पहले पूछना है किसी को, किसी का कौन सा नहीं हुआ है 20 से पहले, कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ था 20 से पहले, किसी का कोई अगर ना हुआ हो तो पूछ सकते हैं। जिन लोगों के पास नहीं पहुंची थी तो भाई कोई बात नहीं, चलो
वैसे तो पहुंच जाने आया, तुम लोग कहीं दो दो तीन तीन ग्रुपों में हो, तो जो लोग हैं उसमें उसकी पहुंच जाती है, जो लोग नहीं है। एक क्वेश्चन भेजा था मजदूरी वाला, तो दिख रहा था पहला क्वेश्चन तो यही है, क्योंकि हमें खुद ही कम दिख रहा था किताब में। मजदूरी, मजदूरी सीमेंट ईंट लोहा, खुद जाए तब भी नहीं दिख रहा है। हाँ 15 से लेकर 18 वाला दिखा था, दिख गया था ना, हो गया। बाकी क्वेश्चन आप लोग करके लाओगे, बाकी क्वेश्चन करके लाओगे। तुम्हारा कौन सा नहीं हुआ था बेटा? 28। ठीक, वही वाला क्वेश्चन लिखवाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो पहुंचा भी नहीं था। तो एक डायग्राम बना लेना है बढ़िया सा, जितनी बातें कर्म, जितनी बातें हुआ कर सब यही कर लिया करो, क्योंकि यहां से अच्छी कोई जगह है नहीं। नहीं ये बात में तो कोई भी दोहराया नहीं है, यहां से अच्छी जगह कोई है नहीं, पर बात करने के लिए नहीं, वैसे पढ़ाई के लिए। ए का भाग 50% है, बी का भाग 25% है, सी का भाग 14% है, इसमें एक और था, डी का भाग 9% है और ई का भाग 2% है। ठीक बेटा, ई का भाग 2% है। अब इसमें लिखना भी है हमें, ये क्या है अभी कुछ नहीं, ए का मतलब क्या है, एजुकेशन मतलब शिक्षा, एजुकेशन मतलब शिक्षा। बी का मतलब क्या है, बचत, और सी का मतलब क्या है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, किराना। इसमें दो डायग्राम होंगे ना, तभी तो मजा आएगा। एक और है, डी का मतलब क्या है, बिजली तथा फोन, बिजली तथा फोन, और ई का मतलब क्या है, विभेद, मिसलेनेसी। और कौन सा इसमें एक बता रहे थे, दूसरा भी है। तो बेटा जो ये वाला डायग्राम जो रखा है, ये दे रखा है मई, मई मास का वेतन, और ये कितना दे रखा था बेटा, 25,000 रुपए। ठीक, 25,000। बातें नहीं करना है, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं खुद एग्जाम में, खूब समय लगता है इनमें अगर सही से नहीं पढ़ाए तो, और आंसर बाद में करता जाए तो फिर और दिमाग खराब हो जाता है। और एक दे रखा था अप्रैल मंथ का वेतन, ये कौन सा है, मई मास का वेतन, तो ये फिगर किसको इंडिकेट कर रहा है, जो हमारा मई मास का इनकम उसके बारे में बता रहा है। दूसरा एक फिगर और है, तो जिन लोगों ने अपने व्हाट्सएप पे थोड़ा है इधर उधर से हट के अगर ग्रुप ना देख लिया होगा तो उनने देखा होगा कि हाँ ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ई का कितना है, 21%, इसमें डी का है 14%, बी का है 18%, सी का है 4% और ए का है 47%। ये फिगर किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये बता रहा है आपको अप्रैल मास का वेतन, अप्रैल मास का वेतन, अप्रैल मास का वेतन कितना था, 24,000 टोटल।
आप देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपकी पूरी मैथ करवा लेगा। पूरी मैथ का मतलब क्या है, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ आना चाहिए। वो तो ये कहो कि तुम अभी क्वेश्चन बाद में और कराएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा तब, फिर इसमें क्या होता है रेलगाड़ी पढ़ाएंगे, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन भी इसमें ऐसी करके आ जाते हैं। एक में स्पीड दे रखी होती है, एक में समय, और फिर कभी समय गायब होगा वो निकालना होगा, कभी दूरी निकालनी होगी। तो बिल्कुल अच्छे से अगर तैयारी होगी तभी कर पाते हैं भाई उसमें। तो देखो ये अप्रैल वाला है और ये कौन सा हमारा मई वाला है। आप बताओ यहां पर लिखा है मई मास का वेतन कुल कितना है, परसेंटेज में कुल कितना होगा, परसेंटेज में कुल कितना होगा बेटा, 100% भाई कितना होगा। तो हम आपसे यहां पर कह सकते हैं इस वाले डायग्राम के लिए 100% का मान कितना है, 25,000। अरे ये बात सही है नहीं भाई, कुल वेतन प्रतिशत में कितना होता है 100%, पर कुल है कितना रुपये में भाई, 25,000। आप यहां से सिर्फ इतना बता दो कि 1% का मान यहां पर कितना आ जाएगा, 250 रुपए। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, 250 रुपए। गुणा भाग सबको आते ही होंगे तेजी वाले। अब जरा यहां पर देख लो भाई, यहां पर कुल वेतन कितना होगा 100%, पर कुल है कितना 24, क्या बेटा 24,000 रुपए। तो यहां से 1% का मान कितना आ जाएगा, 240, क्या चीज रुपए। तो कहां पर इनकम ज्यादा हो रही है, कहां पर ज्यादा हो रही है, ऊपर वाले में ज्यादा है। यहां पर 1% का मान कितना है 250, यहां पर 1% का मान कितना है 240। अब देखो क्वेश्चनों में क्या क्या पूछता है इसमें, तो ये वाली बात कुछ, ये तो पता ही होता है, इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं भाई। अगर ये डिग्री में दे रखा होता तो 360 डिग्री बराबर लेते हैं ना, अगर डिग्री में दे रखा होता तो हम लोगों ने कल क्वेश्चन किए हुए थे 360 डिग्री बराबर इतने रुपए हो जाते, फिर एक डिग्री का हम लोग क्या निकाल लेते मान। चलो अब देखो क्या क्या इसमें पूछ रहा है, पूछ रहा है अप्रैल महीने की तुलना में, अप्रैल महीने की तुलना में, चाहो तो क्वेश्चन लिख लो, अगर दिखता हो तो अच्छी बात है, हम लिख दे रहे हैं एक बार, बहुत सारे लोग ग्रुप में नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है देखो, अप्रैल महीने की तुलना में मई महीने में, मई महीने में शिक्षा के खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत क्या हुई है बेटा, वृद्धि हुई है। किसकी बात कर रहा, करा अप्रैल महीने की तुलना में, किससे कंपेयर करवा रहा है अप्रैल से, अब पूछ किसकी बात रहा है मई की, किसकी बात कर रहा है शिक्षा देखो किसको इंडिकेट कर रही है, ए को, किसको देख रही है भाई ए को, तो निकाल लेंगे भाई ये वाला डायग्राम तुम अपने ऐसे बना के रखना है ना, आपने बता दे रहे हैं। हमें किसको देखना है शिक्षा, यहां पर हमने क्या लिखा शिक्षा, ठीक, पहले अप्रैल आएगा, यहां पर क्या लिख लिया हम लोगों ने अप्रैल, और बेटा यहां पर क्या लिख लिया मई। चलो बताओ अप्रैल में 1% का मान कितना है 240 रुपए, अप्रैल में शिक्षा पर कितना था वेतन, वेतन का मतलब जो रुपए हैं कितना है, देखो डायग्राम में देखो अपना, अप्रैल में शिक्षा मतलब ए पे कितना 47। अब आप बताओ 1% का मान कितना था 240 अप्रैल में, तो 47 का कितना होगा 47 × 200, अरे भाई ऐसा ही तो कुछ होगा ठीक, 1% का मान कितना है 240, तो 47 का मान कितना होगा, गुणा कर लो जो भी होगा ठीक, चाहो तो गुणा कर लो और ना चाहो तो गुणा अभी मत करो।
फिलहाल अगर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? जीरो जीरो। खास नहीं है, 240 और 47, अरे गुणा कर लो, जीरो कितना आ रहा बेटा? 11280। कोई बात नहीं है, 7 × 28 यहां से लगे, 2 × 7 = 14, 2 = 16, 0 × 24 = 96, 0, 8, 2, 10 और 1, 11 कितना आ रहा है? 11280। इतने क्या चीज आ रहा बेटा? रुपए। मतलब अप्रैल में शिक्षा पर कितने रुपए खर्च हो रहे थे? 11280। अच्छा मई में कितने हो रहे हैं? मई वाला डायग्राम देखो, ए का मान कितना है? 50%। 1% का मान कितना हो जाएगा? 250। तो 50% का मान कितना हो जाएगा? 50 से गुणा करा लो किसकी? 250 की, 2 जीरो के 2 जीरो, 25 × 5 = 125। मतलब कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? 12,500। पहले कितने खर्च हो रहे थे? 11,280। तो ज्यादा खर्च हो रहे हैं कम? ज्यादा। कितने रुपए ज्यादा खर्च हो रहे हैं? पीछे कितने रुपए ज्यादा खर्च हो रहे हैं भाई? घटा के बताओ तेजी से, इस वाले में से इस वाले को घटाना है तभी तो पता चला कितने ज्यादा। तो उसने क्या पूछा है? कितने प्रतिशत अधिक? तो घटा के देख लो बेटा, 1200, 12,500, 11,280 घटाने हैं, घटाओ 0, 2, 2, 1, 1220 रुपए अधिक खर्च हो रहे हैं। कितने अधिक हो रहे हैं खर्च? अधिक। अगर ये पूछे कितने अधिक खर्च हो रहे हैं तो 1220 क्या चीज बेटा? रुपए। पर उसने ये नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है? कितने प्रतिशत अधिक? तो कितने प्रतिशत अधिक क्या लिखोगे? जो अधिक है वो तो ऊपर लिखोगे, 1220 बटे किससे पूछ रहा है? अप्रैल से। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा है, अप्रैल महीने की तुलना में मई महीने में शिक्षा के, तो किससे कम तुलना किससे करवा रहा है? अप्रैल से। अप्रैल में कितने हैं? 11,280 और गुणा क्या करोगे बेटा? 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ऊपर क्या बचा? 1220 × 10 और बटे 1128, इसे काटना होगा, आंसर आ जाएगा। चलो काटापिटी मचाओ, देखो नीचे वाला 4 से कट रहा है और ऊपर वाला भी 4 से कट रहा है, काटो। 4 × 2 = 8 कितना बचा? 3 हो गया 32, 4 × 8 और फिर 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 8, अब उतारा 2, पर 2 तो 4 से कैसा है? छोटा है तो 0 लगाना पड़ेगा, 4 × 5 = 20, ठीक। क्या ये तीनों मतलब ये वाला क्या अभी 2 से कट पाएगा? नहीं कटेगा, पर ये 2 से कट जाएगा? कट जाएगा, 2 × 5 = 20, इसे 2 से काटो, 2 × 1 = 2, 4 × 1 = 141, ऊपर बचा 305 × 5 बटे 141। क्या नीचे वाला 3 से कट रहा है भाई? नीचे वाला 3 से कट रहा है? 4 × 1 = 5 और 1 = 6, मतलब 6 × 3 = 12 में आते 3 से कट रहा है, पर ऊपर जो कोई 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, ऊपर नहीं कट रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे गुणा करा लो, क्योंकि कटने वाला है नहीं। तो 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 18, सही है गुणा, और बटे कितना है? 100। चलो अब कर लो भाग, अब आप बताओ 141 का पाला किसी को याद होगा? नहीं होगा, पर 14 का पाला तो उम्मीद करते होगा, वो भी नहीं होगा, अरे वो तो होगा। तो 14 × 1 = 14, तो पहले तो एक बार जाएगा, करो तो कितना हो जाएगा? 141, जरा घटा कितना बचेगा? 1 और 1, तो ये तो बचेगा 1 और 1, अब क्या उतारोगे हम? 5। तो जैसे ही आपने 5 उतारा, देखो ये सिखाया था बाद में स्टार्टिंग में पढ़ाया था, जैसे ही हमने कौन उतारा? 5 उतारा, तो देखा यार ये तो जिससे भाग करना उससे क्या आ गया? छोटा। तो कितनी संख्या उतारी थी? 1, 0 कितना लगा दोगे? 1 लगा दोगे, अब क्या लगाओ? पॉइंट, यहां पर क्या बढ़ा लो? 0। अब देखो 14 का पाला पढ़ो, 14 के पाले में 115, 14 × 126, मतलब ज्यादा हो रहा है, 14 × 8 = 112, तो लगभग 8 के आसपास चला जाएगा। देखो
आठ एकम आठ और चौदह अट्ठे 112, घटाओ कितना बच जाएगा 22, चार तो एक जीरो और लगा लोगे फिर 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 ज्यादा ये, और 10.8 वाला आंसर सही होगा। देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, 10.8 ही है ना, हाँ तो बस एक ही पॉइंट तक पूछ रहा है तो दिक्कत वाली बात है नहीं, 10.82 दे रखा है, तो जैसे ही 10.8 देखो एक ही ऑप्शन है 10.82, 12.35, 9.56 और 20%, तो जैसे ही 10 आता वैसे रुक जाते हटाओ आंसर, हाँ उतना ही करते हैं। पर मेन क्या है, मेन यहां पर ये ध्यान रखना है निकालते कैसे, अलग अलग निकालना पड़ेगा बिल्कुल। तो ये वाले क्वेश्चन सबके पास है, तो वो क्वेश्चन नंबर 24 वाला करो भाई, 24 किसी को कुछ पूछना है पीछे जो करे हमारी समझ में नहीं आया था, कुछ कुछ पूछना है इसमें, देखो समझ में जो व्यक्ति परडे आ रहा है अगर वो ये कहे समझ में नहीं आया तो दिक्कत होती। हाँ अरे तुम्हारे स्टार्टिंग में आए ना, ये इधर देखो एक बात सुनो, ये लिखा है 6 ठीक, पहले छोटा सा क्वेश्चन समझेंगे, अब हमको इसको भाग करना है, पहले छोटी सी बात समझो, यहां पर जी 1 0 अगर हम इनमें 0 बढ़ाए तभी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, पर काटने में थोड़ा जल्दी नहीं होती समझ रहे बात को, हम कई बार काटना पड़ता है इसलिए हमने ऐसे रखा कि अलग इसलिए रखा कि दो के पहले कट रहा है पता था बाद में ये 2 से कटेगा तो इसको 2 से एक बार और काट लेंगे। जिनको भाग पता नहीं देखो इसको भाग करेंगे कितना आएगा 6 दूनी अब तो कितना बच रहा है भाई 4, तो ये जो शेष बच रहा है ये देखो 6 से छोटा है कि बड़ा है, तो जब भी छोटा शेष बचता है उतारने के बाद तो क्या बढ़ा देते 0। ये सिखाया था स्टार्टिंग में, जिनने ना सीखा हो भाई तो कोशिश करना घर पे जाके अपने आप खुद सीख लेना, चौथे पांचवी क्लास में है दिक्कत आए तो पूछ भी लेना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कौन सा आ रहा है, अब बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं हमारे पास तो 24 छोड़ो ये कौन आए, तो जिनके पास ये वाला क्वेश्चन नहीं है 24 शॉर्ट कट में लिख दे रहे हैं, क्या पूछ रहा है देखो, कह रहा है अप्रैल महीने, अप्रैल महीने से, अप्रैल महीने से बचत की राशि और मई महीने के वेतन से विविध खर्च कौन सा वाला है, ई वाला, विविध खर्च विविध खर्च की राशि का अनुपात ज्ञात करो, ये तो खैर सरल कर देते, ज्ञात करो ये भी इतना सरल है नहीं, फिलहाल सरल बना लेंगे इसे। चलो तो क्या कह रहे हैं, अप्रैल महीने से बचत, अप्रैल माना तुम्हारा यहां पर कहीं था देखो डायग्राम, अप्रैल वाला किधर गया, अप्रैल में देखो बचत कितनी हो रही है किसमें, अप्रैल महीने से बचत की गई राशि और मई महीने में वेतन की विविध का मतलब कौन सा है, ई वाला। अप्रैल में जाओगे देखो बेटा अप्रैल में ई का मान कितने परसेंट है, 21%, अप्रैल में ई का मान कितना है 21%, ये सब मिटा दें वरना लिखेंगे कहां, तो हमें निकालना क्या है, देखो पूछ क्या रहा है
आपसे पूछ रहा है ई का मान कहां पर बेटा, अप्रैल में, और बटे ई का मान कहां पर बेटा, मई में। यही तो पूछ रहा है, ठीक। ई का मान अप्रैल में कितने परसेंटेज है, पर आप बताओ अप्रैल में 1% का मान कितना था, 240, तो 21 का मान कितना होगा, 21 गुणा 200। मई महीने में ई का मान कितना है, 2%, ठीक। तो यहां पर बेटा 1% का मान कितना था, 250, तो 2 का कितना होगा, 2 गुणे 250। काटा और पीटी मचा दो आंसर, 2 से 0 से 0 गया, 2 से काटो कितना हुआ, 12, ठीक। ऊपर क्या बचा देखो, ऊपर बचा हमारे पास 21 गुणे 12, और नीचे क्या बचा बेटा, 25। 12 के 2 हाथ लगा ही, 12 दून 24 और 1 बटे, देखो यहां पर लिखा है ये 5, मतलब ये वाली संख्या किससे कटेगी, 5 से, पर ऊपर वाली कोई 5 से नहीं कट रही है, 5 से कटने के लिए या तो 0 होना चाहिए लास्ट में, या फिर क्या होना चाहिए, 5, ये सब सिखाए ना, तो भाई ये तो नहीं कटे, तो आंसर ही होना चाहिए सीधे सीधे 252:25। देखो कोई ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नहीं है, अच्छा अच्छा अप्रैल की बचत की राशि पूछ रहा था, है गलती कर दी, तो बचत वाला कौन सा है, बी है। फिलहाल अगर देखो ई वाला ऐसे निकालना, थोड़ी गलती कर दी यहां पर, तो इसमें होता है बी अप्रैल का और ई मई का, अच्छा ये देखा ही नहीं, तो डायग्राम को सही से देखना है, अरे कोई बात नहीं, अगर विभद की पूछ लेते तो वैसे निकाल लेते। तो बी अप्रैल में कितना था बताओ जरा, कितने परसेंट है, 18 है ना, तो भाई 18 गुणा 240, ठीक। ई वाला चलो भैया 2 गुणे 250, अरे 0 से 0 गया, 2 से काटो कितना आ जाएगा, 12, ठीक 12। अब देखो 12 18, ये 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, पर 25 सिर्फ किससे कट रहा है, 5 से, भाई 5 से कट रहा है, तो 5 से कटने के ऊपर 5 से कटना चाहिए, कट पाएंगे तो गुणा करा लो, 12 8 96 आ सके लगे, 9 12 1 12 और 9 21 बटे 25, तो क्या लिखा जाएगा, 216:25, ये होगा है ना, क्या ये भी नहीं है, ये तो है, उसमें क्या पूछ रहा है देखो, अप्रैल महीने से बचत और मई महीने से क्या पूछ रहा था, विविध, ये बात को थोड़ा ध्यान रखना, गलती हमने कर दी, ध्यान नहीं दिया हमने, विविध विविध पूछ रहा है, इसमें हुआ कौन सा नहीं था भाई, अब तो कर ही लोगे सारे, इसमें कौन सा वाला नहीं हुआ था आपका, 28 में 27 में, बेटा इसमें डिग्री पूछ रहा था ना, कल यही तो बताए थे, चलो कोई बात नहीं, ठीक ठीक ठीक। तो बाकी इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है वो तुम करने हैं, एक तो करके दिखा दिए कैसे करने हैं, सबका मतलब एक ही जैसा होता है, फटाक से बस आने चाहिए। तो जो लोग पैट की परीक्षा देने जाएंगे उनको एक आध क्वेश्चन यहां जरूर मिलेगा, एक अगला डायग्राम बनाने के लोगों ने बनाया अभी, बात है भाई बहुत कर रहे हो तुम लोग, और
अरे लिखा हुआ दिख रहा है, जिल्द पर भी 18%, विज्ञापन पे 18, रॉयल्टी, रॉयल्टी है, हाँ रॉयल्टी पे कितना है भाई 15%, ठीक, विविध पे कितना है 4, ये है विविध 4%, और किस पे दे रखा है बेटा कागज पर, कागज पे कितना है 10%, ठीक, ये तो सब कुछ दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, छपाई नहीं दे रखी गई, अच्छा पाई है, ठीक ठीक दे दे रखी, आप सबको दे रखी। आप देखो पूछ क्या रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 27 की हम लोग बात करेंगे, क्या पूछ रहा है, कह रहा है यदि छपाई पर, यदि छपाई पर, तो पहले तो आप देख के बताओ छपाई पर बे कितना है, अपना अपना देख के बताओ कितना भाई 35%, तो छपाई पर बे इसने रुपए में दे रखा है, इसने दे रखा है छपाई पर बे जो रुपए कितने बता रहा है 17,500 हुआ, तो बेटा बताओ ये 17,500 कितने परसेंट के बराबर है, छपाई की बात कर रहा है, छपाई कहां पर है, ये 35%। क्वेश्चन लिख दे पहले, पूछ रहा है तो रॉयल्टी पर, रॉयल्टी पर भुगतान ज्ञात करो, मतलब सीधी बात किसी बात करवा रहा है रॉयल्टी पर, याद क्या फायदा हो जाएगा, परसेंटेज का मान निकाल लेंगे, जो पूछेगा फिर वो हम लोग बता देंगे, कल वाली बात भूल गए होगे एक बार दोहरा लो, 5% बराबर कितने डिग्री हुआ करता था, याद है भूल गए हो, याद है 5% बराबर 18 डिग्री, अगर परसेंटेज से हमसे डिग्री पूछेगा तो हम आंसर डायरेक्ट वहीं से आंसर बता देंगे। छिपकली कितने दांत होते हैं, तो छिपकली का एक भी दांत नहीं होता है, टीथलेस, कभी आधा क्वेश्चन, मच्छर के किस होते हैं, छिपकली एक भी दांत नहीं होता है, हैं? मच्छर के होते हैं, छिपकली के नहीं होते हैं, किसके बायस होते हैं, हाँ तो मच्छर के होते हैं ना, मच्छर कहां से आ गया, बात छिपकली की चल रही थी, मच्छर कहां से आ गया, हमने तो इसलिए बता दिया एग्जाम में क्वेश्चन आता है छिपकली के कितने दांत होते हैं, तो छिपकली का कोई दांत नहीं होता है, छिपकली कभी काटती नहीं है, हम कहते छिपकली ने काट लिया, उसके पंजे में नाखून होते हैं, उनमें विष होता है, हाँ समझ रहे ना क्या, तो छपाई पर कितने प्रतिशत हो रहा है, छपाई पे कितने परसेंट है 35, पर रुपयों की बात करो तो कितना है 17,500, क्या चीज रुपए, मतलब 35% का मान किसके बराबर हो गया 17,500 रुपए। आपको जो बड़ा पारा याद हो फटाफट काटने वाला जरा काट के बताना, काट बेटा नहीं काट पा रहा, चलो 7 से काटो, 7×5 7×2 7×2 14 कितना बचा 3, कितना हो गया 35, 7×5 35 कितने बचे 00, 5% का मान कितना आ गया 2500। हालांकि देखो बहुत सारे ऐसे हैं जो 5 के ही मल्टीपल हैं, 15, 10 है ना, ये सब 5 के ही, फिलहाल हम एक का निकालेंगे, फिर एक बार 5 से काटो, तो इतना तेज रखो कि ये वाली लाइन हमको डायरेक्ट लिखे यहां पर, जैसे बीच वाली ना लिखे वो आप पे डिपेंड करता है, तो 1% बराबर कितना हो गया 500 रुपए, 1% बराबर 500 रुपए। आपसे किसके लिए पूछ रहा है रॉयल्टी, रॉयल्टी के लिए कितना है आप बताओ, 1% बराबर 500 रुपए, तो 15% बराबर 15 ही गुणा कैसे कर दो बेटा 5 से, और 15×5 75, और कितने जीरो लगा दोगे 00। भाई रॉयल्टी पे निकालना हो हमको तो कितनी आ जाएगी,
तो रॉयल्टी पे कितना दे रखा है, कितने परसेंट, 15%। 1% का मान कितना है, 500 रुपए। तो 15% मान कितना होगा, 15 × 500 क्या चीज, रुपए। तो 15 × 5 कितने होते हैं, 75, और ये डबल 0। तो कितने खर्च कर रहा है, 7500 रुपए। अगर समझ में ना आया तो पूछते रहना है, खाली नहीं बैठना है, छपाई के लिए। अब बताओ भाई, अभी तुम बता रहे 5 बराबर कितना होता है बेटा, 5% बराबर कितने डिग्री, 5% बराबर, एक बार बोल दो, 5% बराबर 18। तो 35 बराबर 5 में किससे गुणा करें कि 35 हो जाए, तो 18 में किससे गुणा करोगे, 18 × 7 = 56, 126। जो सीधे सीधे आंसर बेटा, ये जो बताया कौन सा वाला बताया है, 5% बराबर कितना डिग्री होता बेटा, तुमने एक बाण सुना हुआ कौन सा, तो ये राम बाण साबित होता है एग्जाम में, कि डायरेक्ट हमको पता होता है 5% बराबर 18 डिग्री। अब मान लो किसी को निकालना है 8% बराबर, अब वहां पर बचे 5 सेकंड, तो हमको ये पता कि 5 बराबर तो 18 डिग्री है, ठीक, और हमको ये पता अगर हम 5 की 5 काटे तो 5 × 3 = 15 लगभग, और 5 × 6 = 30 लगभग 3.6 होगा, 8 का निकालना हो जाए जल्दबाजी में तो हमको ये पता है कि इसका मतलब 3.5 के आसपास होगा। अब 8 निकालना, तो 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 24, 28, 28 के आसपास जो आंसर मिलता होगा मार के आगे बढ़ जाएंगे, आंसर क्या होगा अपना, सही होगा। मतलब एग्जाम में जो होता है कि डायरेक्ट पूछ लेता है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कागज वाला बताओ कितनी डिग्री है, 10 डिग्री है, कागज वाला कितना परसेंट है, तो डिग्री कितना हुआ भाई, 5% का मान कितना होता है, 18 डिग्री, तो 10% का मान कितना होगा, 5 में आपने किससे गुणा की, 2 से, तो 18 में किससे करोगे, 2 से 18 × 2 = 36 डिग्री। हाँ बेटा ऐसे भाई, तो बता रहे ऐसे हम कोई साइज हमसे पूछे हम सब निकाल सकते हैं, इसीलिए क्या लिखा है यहां पर, तो रामबाण दवा तुमने देखी होगी। है बेटा आप सब बताएंगे, टेंशन लो इसमें सब कराने हैं। तो भाई 28 वाले का आंसर कितना आ जाएगा, 28 वाले पूछ रहा है छपाई पर बे में कितना डिग्री, कितनी बेटा, 35 डिग्री है छपाई में, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 28। तो 5 में किससे गुणा करेंगे 35 बन जाए, 7 से, देखो पहाड़ों का खेल है, पहाड़े याद नहीं है तो तुम पहाड़े पढ़ोगे, 126 डिग्री, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है विविध वे कागज पर किए गए वे के कितने प्रतिशत के बराबर है, विविध पे कितना हो रहा है, 4%। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, उधर तो तुम्हें दिखता ही नहीं है क्यों, 29 लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, जिसे तुम बता रहे क्वेश्चन क्या था। बाकी बेटा जो ग्रुप में ऐड नहीं है, प्रदीप सर आते हैं उनसे कहना सर हमें ऐड कर लो, वो आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में, और ग्रुप में क्वेश्चन वगैरह देख रहा करो। क्वेश्चन नंबर 29 है विविध, विविध वे कागज पर किए गए वे के कितने प्रतिशत के बराबर है, कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पहले किस पे पूछ रहा है, कह रहा है विविध पर, विविध पर कितना हो रहा है बेटा, तो यहां पर लिख लो चलो विविध पर, आप आंसर बताओ कितना आ रहा है, पहले तो आप बताओ, 40% आ रहा है, कागज पर कितना है, 10, 40 आ रहा, देखें चलो, सबका 40 आ रहा है, पहले तो आप ही लोग बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम लोगों ने पढ़ी है, अगर प्रतिशत में अगर तुम प्रतिशत नहीं निकाल पा रहा है तो बहुत गलत बात है, है सेम लाइज बात, छीछी वाली बात है।
तो जैसे पुराने जमाने में रानियों क्या होता था, खतरा कि उनका खतरा होता था, है ना। तो रीजन में क्यू किस पे आता है, 17 पे, ध्यान रखना है। तो क्या कहेंगे रानी, हमको छूना नहीं, तो आर्टिकल 17 क्या कहता है, छुआछूत है, ये नहीं कहता है, यही कहता है बेटा। ऐसे एक मूवी बनी आर्टिकल 15, कभी मौका मिले देख लेना। एक मूवी देखना 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। एक कौन सी देनी है, देखनी है आर्टिकल 15 मूवी है, आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 फिर हमेशा के लिए याद होगा। अभी एक मालदीव में नए राष्ट्रपति बने हैं, वो कह रहा है मैं एक सप्ते के अंदर, अरे बातें सुनो, इंपॉर्टेंट वाली बातें हैं, हम तो पेंगी भी तो डालेंगे, बातें कैसे करेंगे। उन्होंने क्या कहा है कि मैं जैसे ही पद ग्रहण करूंगा, एक सप्ते के अंदर जितने भारतीय यहां सेना सबको भगा दूंगा। मालदीव है ना, तुच्छा था, छोटा था, इतना छोटा है, डायग्राम बनाएंगे तो वो दिखेगा भी नहीं है। और अकेले हमें पावर दे दी जाए तुम सबके साथ में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत धुआंधार मुद्दा चल रहा है, तुमने कभी पढ़ा हो तो, पढ़ रहा नहीं, पढ़ रहा कुछ थोड़ा बहुत, समलैंगिक विवाह वाला है ना, एग्जाम में खूब आता है, पिछले बार भी आता है यूपीएससी में लिखने को। अरे यूपीएससी वाले पीछे कैसे रह गए। तो बेटा क्या पूछा, देखो विभिन्न पर वे कितना हो रहा है, 4, कागज पे कितना हो रहा है, जांच अधिक या कम नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि भाई इसका जो व्यय हुआ है वो कागज पर के कितने, किससे कंपेयर करवा रहा है, कागज से। तो इसका 4 कागज का कितना है, 10% की बात कर रहा है, गुणा किससे कर दोगे, 10 57 और 10 4, आंसर 40%। अब आया 30वां, जो लोग पूछ रहे थे जिल्द पर वे, कहा गया जिल्द, 18%, तथा विज्ञापन पर, विज्ञापन कहा है, 18, ये तो घाटा हो गया, 0 आएगा आंसर, ये आंसर किसी को बड़ा तकलीफ कर रहा था। देखो भाई फिर से सुन लो, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 30वां, ये कह रहा है कि जो आपने जिल्द पर व्यय किया है और जो किस पे, विज्ञापन पे व्यय किया है, इसका अंतर कितना है, तो जरा बताओ 18 में से 18 के कितने बचे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, कितना आ जाएगा आंसर, 0, समझाया कैसे, 18 में से 18 का कितना बचा, 0। उसने पूछा क्या है, त्रिज्यखंड कोण, जो हम लोग ये डिग्री में लिखते हैं बेटा, इसको ही क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में, त्रिज्यखंड और क्या चीज बोलते हैं, कोण। तो कितने घरों में, आप सबके घर में आपके छोटे भाई बहन भतीजे भांजी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, एक दो लोग तो बड़ी मुस्कान आ रही उनके पास, क्या बात, क्या बात कह रही है, फिर जाइए सरकारी में कोई नहीं पढ़ता, तुम्हारे घर तो कोई नहीं पढ़ता सरकारी स्कूल में, क्यों नहीं पढ़ता, क्यों नहीं पढ़ते, हैं? चलो पहले तो क्वेश्चन, उसके बाद बातें, वरना तुम तो बात ही करा लो बेटा। ये बंजर भूमि वाला क्वेश्चन डाला ग्रुप में, देखना जरा बंजर भूमि वाला, इसके आगे क्वेश्चन डाले थे 30 के आगे, 36 तक डाले ना, 35 36 तक, 42 तक होंगे, 34 तक हैं, ठीक। इसमें तो मजा नहीं आएगा, कुछ सही से क्वेश्चन लाओ।
कल एक क्वेश्चन आया था फुटबॉल हॉकी हैंडबॉल टेनिस बास्केटबॉल, ये तो करा दिया था ना, ये तो हम लोगों ने करा दिया था। क्वेश्चन लिखो भाई, अरे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो नहीं डायग्राम बनाओ। अरे भाई फाइल ही से खोल देते हैं। ये लिखा है बेटा ट्रेन ए 13%। आप लोग बाद में डायग्राम बनाना, तब तक दो चार जो रहेंगे ये बात है वो भी कर लेनी है। ट्रेन क्यू 19%, ट्रेन आर, तो जितना प्रतिशत लिखा जाएगा उनके आर्टिकल आपको अपने मन में सोचनी है। ट्रेन आर 9%, वो लिखने नहीं है आपको, सोचने आपका रिवीजन हो जाएगा। ट्रेन एस 24%, ट्रेन एम 20%, और ट्रेन एल 15%। यात्रियों की कुल संख्या, चलो लिख लिया सारे आर्टिकल सोच लिए, एक आर्टिकल ऐसा है जो तो आपको पता भी हाँ बेटा क्यों लिखा है। बाकी तुम लोगों ने अपने टेस्ट वाले नंबर नहीं बताए हैं, नहीं मिले अभी तक सीट नहीं मिली है। मैं आई होंगी उस दिन सीट नहीं दी थी, हो सकता है ग्रुप में पड़ जाए। हाँ बेटा देखो कभी बनाए विभाग वाले, पर्सनल बनाना होता तो अब तक हम 10-15 टेस्ट हो गए होते, अपने हिसाब से होता तो तुम्हें क्या लग रहा है। एक चैप्टर पढ़ाने के बाद हम 3 टेस्ट लिए जाते हैं उसके, तब लगता है कि तुम पढ़ रहे हो, वरना आधे लोग और कम हो गए होते। हाथ में नहीं है ना सर जी के, देखो बेटा ट्रेन एस कॉमा ट्रेन एम, ट्रेन एस कॉमा ट्रेन, ये क्वेश्चन है पहला, ट्रेन एम और हिंदी में और ट्रेन एल में मिलाकर, में मिलाकर यात्रियों की लगभग, अब बढ़िया क्वेश्चन आ गया, लगभग औसत संख्या, लगभग औसत संख्या कितनी थी। तो सबसे पीछे जो लोग बैठे हैं दोनों आप लोग बताओ, यहां पर पहले तो लिख लो हैं, कहीं सर हम लिखिए ना पाए पूछ पा रहे हो, फटाक से लिखो कल से आगे बैठेंगे। लिख लिया नहीं लिख लिया, दिख तो रहा है इतने को भी दिखता होगा। अच्छा छोटे लोग आगे बैठा करो, बड़े लोग पीछे बैठा करो, मतलब जिनकी हाइट छोटी है वो आगे बैठे हैं।
तुम फोन का चलाते हो, हाथ से किया करना, स्पीड और बढ़ाओ फिर। हैं नहीं बड़ी है, इतनी गुना बड़ी है। 10-60 मार ले करो तुक्का मार के, ऑप्शन करते रखे हुए तो चला। अभी तो यहाँ पर करो, ऑप्शन दे रखे तो बताएंगे ना कैसे करना होगा। क्या पूछ रहे हैं तुम, ये बताओ यहाँ पर बेटा 1% का मान कितना है? है देखा नहीं, अब देख लो 1% का मान कितना होगा यहाँ पर, तो निकालना पड़ेगा। अब निकाला तो उसका अपना फोन है, अब आएगा 1% का मान कितना है। अरे मैंने चलाने वाली थोड़ी, मैंने शायद कार भागा हुआ करोगी, भागू करोगी आप, भाग करने की आदत। हाँ बहुत बढ़िया, अरे लड़ाई नहीं करनी है। 1% का मान कितना होगा निकालो भाई, 1% का मान कितना होगा निकालो, 1% का मान कितना होगा देखो। ऐसे लोग निकालना है, पता ना कोई निकालना पड़े, देख के बता दो कितना होगा। 85 सीधे से बचा, 00 00 कटा कितना बचा 85। बहुत सारे लोग मन में सोच रहे हैं कि अरे क्या होगा, 1% का मान कितना होगा भाई 85। समझ में नहीं आ रहा है कुल कितना होता है, कुल परसेंटेज की बात करें 100% और कुल मान कितने रखा है इसका। हाँ बेटा आंसर आ जाएंगे, यात्री लिखा है 00 00 तो 1% का मान कितना आ गया 85। क्या चीज, हाथी की घोड़ा या ना घोड़ा ना हाथी है। चलो आप देखो, जो भी निकालना होगा सबसे पहले काम यही करते हैं, देखो पेपर जब आता है ये, अगर मान लो ये पेपर तुम ऑनलाइन दे रहे हो, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें कितने भी बढ़िया तुम पढ़ने में हो, इस क्वेश्चन को उम्मीद होगी कि तुम्हारा दिमाग गर्म पड़ जाएगा। क्यों, तुमने स्क्रॉल किया वो ऊपर चला गया डायग्राम, फिर नीचे किया फिर तुमने ये पढ़ा, अच्छा इसका एक मान 20% था, फिर क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन नीचे करना पड़ेगा, फिर ऊपर चला गया। तो इससे सबसे बढ़िया है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऑनलाइन परीक्षा के लिए, ऑफलाइन के लिए क्या होता है देख देख करते रहेंगे, जब भी ऑनलाइन परीक्षा के लिए ऐसा क्वेश्चन आए 1% का हमने मान लिख लिया, इसके बाद जितने भी दे रखे हैं जी सब इसका मान यहां पर हम लोग निकाल के लिख लिया करेंगे ऑनलाइन के लिए, बता रहे हैं। उससे क्या फायदा रहता है कि अब जो पूछेगा हमें ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे शॉर्टकट में लिख लिया कि भाई एल का मान कितना परसेंट है, एल का मान 15% ही, इसके बाद ए का कितना है 13% और क्यू का कितना है 19%, आर का मान कितना है 9%, एस का मान कितना बेटा 24%, एम का 20, और बताओ हो गया ठीक। अब ये शॉर्टकट में लिख लेते हैं ठीक है, जिससे क्या है अब बार बार देखो ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा, ये वाला आर्टिकल 13 आपको मन ही मन में सोचना है पूछेंगे क्वेश्चन के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिलहाल एस क्या मतलब इसका, देखो एस एम और एल में मिलाकर मतलब क्या होता है, सबको जोड़ना भी गुणा करना। ये चाय कैसे बनाते हैं, पानी दूध चाय पत्ती और चीनी मलाई अलग रख दी, सबको मिलाकर, तो मिलाने का मतलब क्या है सबको जोड़ दो। तो देखो एस का मान कितना है बताओ, कौन कौन हमें क्या निकालना है, एस का मान प्लस एम का मान प्लस एल का मान। बेटा बातें पूछ क्या रहा है, ध्यान देना यहां पर, औसत संख्या कितनी है, औसत क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है जरा बताओ, पदों का योग बटे पदों की। तो करो भी पदों का योग, योग का मतलब एस प्लस एम प्लस एल, कितने दिख रहा है आपको वैसे 19, पदों की संख्या कितनी होगी 3, सबको दिख रही है 1 2 और 3 ठीक। एस का मान कितना है देखो, हमने लिख लिया है 24, एम का मान कितना है 20, एल का मान कितना है 15, अब बटे 24 और 20 44, 44 में 5 जोड़े तो कितने हो जाएंगे 49, और 10 जोड़े कितना हो जाएगा 59 बटे 3,
और बेटा ये सब किसमें चलना है, ये सब परसेंटेज में, तो कितना होगा 59/3। अब देखो हमको ये देखना है उसने आंसर किसमें दे रखे हैं, परसेंटेज में दे रखे हैं कि संख्याओं में दे रखे हैं, भाई तभी तो पता चल पाएगा। उसने पूछा है संख्याओं में, तो क्या निकालना पड़ेगा हमको, संख्या निकालनी पड़ेगी भाई। यहां पर एक वर्ड लगा दिया है, कहां पर लगा है ये, इसका मान क्या होगा, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग में बताना है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, क्वांटम आएगा जो जो नजदीक होगा उस वही कमा लेंगे आंसर। तो हमने इनका औसत निकाला, तो औसत का परसेंटेज कितना आ रहा है, 59/3 क्या चीज, प्रतिशत, 59/3। आप एक बार बताओ एक का मान कितना है, 85, तो भाई बताओ 59/3 का मान कितना होगा। चलो बड़ा कंफ्यूज हो रहा है, इधर देखो ये क्या लिखा, 59/3। अगर 59 को हम लोग क्या मान लें, 60, और बटे क्या लिख दें, 3, कितना आ जाएगा लगभग में, कितना आ जाएगा लगभग, यहां से स्टार्ट हो गया अब लगभग 20%। आंसर क्या होगा अपना, लगभग 20%। पर उसने प्रतिशत नहीं पूछा, उसने पूछा यात्रियों की संख्या, 1% का मान कितना है, 85 यात्री, तो बताओ 20% का मान कितना होगा, 20 × 85 कर दो गुणा 0, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16 और 1 = 17। तो ये किसमें बेटा, ये है लग और भाग। अब जरा सुनना है, आपने थोड़ा सा ज्यादा माना है, पर देखना आपने थोड़ा सा क्या माना है, ज्यादा, तो रियल वाला आंसर थोड़ा सा 1700 क्या होगा, कम होगा। अब ऑप्शन लिख रहे हैं, अब हम आपको सिखाना है, पहले उस बात पे ध्यान देना है भाई, वहां पर ऑप्शन एक ही जैसे दिखेंगे, हाँ तो हमको क्या सोचना है उसको फोकस अभी बताएंगे, देखो क्या करना है, देखो ऑप्शन पर देखो, पहला है ऑप्शन 1521, बात नहीं करनी बेटा, 1641, 1651, 1691। अब आप ये यहां पर ये बताओ 59 का आपने कितना माना, 60, भाई तभी लगभग में आंसर आएगा। 60 क्यों माना सर जी, कम क्यों नहीं माना, क्योंकि हम देख रहे हैं 60 से ये 3 से क्या हो, ऊपर वाली संख्या कट जाए, अब 3 से कटेंगे या तो 57 हो या फिर 60 हो, 57 बहुत, 2 कम करना पड़ेगा और 60 करने के लिए 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने 1 बढ़ा लिया है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 1700 नहीं होगा, 1700 हल्का सा इससे क्या होगा, छोटा। अब तुम्हारे सामने ऑप्शन है, बता देखो ये हो सकता है क्या, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 1700 वो 1691 पॉइंट कुछ आता होगा अगर फोन से करोगे तो, पर वहां पर फोन नहीं होगा, तो इसीलिए कैसे करते हैं लगभग वाले क्वेश्चन, 59 का हमने कितना मान लिया, 60 ही क्यों माना, 61 को नहीं माना, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं 3 से पूरा पूरा कट जाए, तो 3 से पूरा पूरा काटा कितना आ जाएगा, 20% किसका, 1% का मान हम पहले निकाल चुके होते हैं 85 का, तो भाई 20% कितना हो जाएगा 85 का, 20 × 85 गुणा कर लो कितना आ जाएगा, लगभग 1700, मतलब हमने हल्का सा ज्यादा माना था तो हमारा आंसर हल्का सा ज्यादा आएगा, तो रियल वाला आंसर इससे हल्का सा क्या होगा, कम होगा, कौन सा होगा, 1691। आया किसी की समझ ना आया तो पूछना है, अगर कम मानते कुछ लोग 57 मानो, अगर हम लोग कम मानते, जैसे अगर मान लो कुछ लोग क्या करते किसको मानते भाई, 57/3 मानते बेटा, कितना आता है ये 19 आता, अरे देखना है अभी कम माना है, अब 19 गुणा किससे कराते हम लोग 85, कराओ जरा 19 × 95 हाथ से कितने लगे 9, 152 और 9 जोड़ो कितने हो जाएंगे, 152 में 9 जोड़ो बेटा कितना आ जाएगा 100, देखो अब अगर आप कम मानते तो आंसर कितना था 1600, पर आपने कितना कम माना है 2, तो आंसर 1615 से ज्यादा होगा, तो देखो यहां पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, 1615 कितने ज्यादा हैं, 2 ज्यादा हैं, अब ये है कि ये है, दिक्कत हो जाती, इसलिए
किसको मानेंगे? जो पास में पड़ेगा। तो यहां पर दो कम नहीं करेंगे भाई, कितना आया था अपना रियल वाला 59/3। दो कम करने में हम बहुत क्वेश्चन से बहुत आंसर से बहुत मतलब दूर पहुंच जाएंगे। पास 59 कौन होगा? 60/57, 60। तो क्या मानेंगे? 60/3, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 20। ये नेट वाले क्वेश्चन है, ये नेट में आते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन, इनमें लगभग भी आंसर दे रखे होते हैं, लगभग ही पूछता है। अगला क्वेश्चन इसमें देखो, लिखो लिखो यदि ट्रेन, अगला क्वेश्चन लिखो इसमें, और कल पढ़ाएंगे बार डायग्राम, बार और ग्राफ, बार डायग्राम नहीं, कोई बात नहीं, मंजिलें बनी होती हैं मंजिलें। अरे मैच वैच देखते नहीं देखते हो? पहले स्पेल में बने 63 रन, दूसरे में बने 52 रन, 2 विकेट खोके, तो वो ऐसी इमारतें बनी होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? बार डायग्राम। क्वेश्चन लिखो यदि ट्रेन आर में क्वेश्चन लिखना है यदि ट्रेन आर में 34% यदि ट्रेन आर में 34% महिलाएं हैं, 34% महिलाएं हैं और 26% बच्चे हैं, 34% महिलाएं हैं और 26% बच्चे हैं, तो उस ट्रेन में, तो उस ट्रेन में यात्रियों, तो उस ट्रेन में पुरुष यात्रियों की संख्या याद करो। हाँ बेटा, तो उस ट्रेन में पुरुष यात्रियों की, पुरुष यात्रियों की संख्या याद करो। मतलब 34% महिलाएं, 26% बच्चे, जोड़ दो कितना हो गया? 60 बच्चे कितने? 40% कौन बच्चे? पुरुष, मतलब आदमी है, तो उनको निकाल लो, आंसर कर लो, गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा, 34 आ जाएगा। 1% का मान कितना बेटा? 85। करो, बता दिया शॉर्ट पर, तेजी से करो आंसर, हमेशा जिंदा रहा करो, चाहे कोई सा भी काम हो, चाहे लिखाई हो, पढ़ाई हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे खेल कूदो, हमेशा जिंदा रहना चाहिए, चाहे खाना खाने की बात हो, चाहे भंडारे में दावत हो, है ना? ये नहीं, अरे भीड़ है हम ना घुसेंगे, अरे हटाओ, ऐसे तो आते ही रहते हैं, ऐसे हटाओ है, यही करते हो कभी तुम लोग? अभी तुम लोग कह रहे हैं अभी तुम घर में हो, घर से पहले बाहर निकलोगे, जैसे मान लो तुम्हारा पेपर पड़ गया बिहार में पड़ गया, तुम्हें आज ही पता चला कल ट्रेन है, अब तुमको जाना होगा जनरल डिब्बे से, तुम्हें पता है वहां एक अपना एक अलग कंपटीशन है, लड़कियों के लिए चलो अलग बात है ना, महिला सीट में बैठ जाएंगी, लड़कों के लिए डबल कंपटीशन, पहला ट्रेन पकड़ना, दूसरा जनरल डिब्बे में घुसना, और उसके बाद सीट बनाना, जैसे समुद्र में आती है लहरें ऐसे ज्वार भाटा बोलते हैं ना सही भाषा में, ज्वार का मतलब क्या होता है? आना की जाना, ज्वार का मतलब आना, ज्वार भाटा का मतलब क्या होता है भाई? अरे तुम्हें कुछ ना पता है, बातें बंद करो, तो चलो चलते हैं गोवा वाले बीच पे, ये क्या है गोवा है ना, गोवा वाले बीच पे चल रहे हैं आप, ये देखो बातें ना करो, बात भी बातों में ऐसे करके लहरें आती है ना गोवा वाले बीच पे,
तो लहर आएगी अगर पानी, फिर क्या होगा, पीछे को हट जाएगा। आप लोग बैठे होंगे, कुछ आ जाए पकड़ लेंगे हैं? बहुत सारे लोग। तो कहने का मतलब, जब पानी आता है तो उसे क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं कि भाटा? तुम सब लोगों पढ़ा ज्वार कि भाटा, क्या बोलते बेटा? ज्वार। अब चला जाए तो भाटा। ऐसे जब ट्रेन आती है, अरे पूरी बात तो सुनो, मेन बात क्या थी, जब ट्रेन आती है स्टेशन पर रुकती है तो ज्वार भाटा दोनों एक साथ आती है। निकलने वाले फटाफट, घुसने वाले तेजी से। पता था तुम्हें करना था कहां, बरेली, और तुम ज्वार में फंस गए। अब फिर तुम सीधे जाए कहां करे, दिल्ली। तो ये अपना एक अलग संघर्ष रहता है एक्सपीरियंस। इसका आंसर कितना आएगा, देखो चौथ ये टूर्नामेंट महिलाएं 26 तरह का बच्चे, तो बेटा पुरुष कितने बचे, पुरुष कितने बचे 100 में से बेटा कितने घटा दोगे 60, कितना आ जाएगा 60, तो हम समझ गए ना, इन दोनों जोड़ दें कितना आ जाएगा 60। अब हमको पता है 1% पहले निकाल कर बैठे कितना होता है 85, तो पुरुष कितने हैं 40। एक का मान इतना है 40 का कितना होगा 40 × 85, 0 का 0 4 × 5 = 20, हाँ से लगे 2 4 × 8 = 32 और 2 = 34, इतने कौन होंगे बेटा पुरुष। लेकिन बेटा अच्छा ट्रेन आर भी तो दे रखी है, ठीक कोई नहीं, अभी अभी कोई नहीं, कोई नहीं। पुरुष अभी कितने हैं, जल्दबाजी देखा नहीं है, जोर बाटा में पड़ गए, ठीक ठीक बहुत बढ़िया। ट्रेन कौन सी है आर, तो हमने देखा ट्रेन आर में, यहां पर लिख लेंगे ट्रेन आर में, ट्रेन आर में पुरुष कितने बेटा 40%। तो पहले आप ये बताओ ट्रेन आर में यात्री कितने हैं, 9%, मतलब 1% का मान कितना है 85, तो 9 का मान कितना हो जाएगा 9 × 1, उसमें से ही पुरुष कितने हैं 40%, तो चाहे तो 40% / 100 यही लिख लो, या फिर इसका मान कितना होता है 2/5, मतलब गुणा करके लिख लेंगे। पहले फिर से समझ लो, इस पूरे से हमने निकाला 1% का मान कितना होता है 85, वो किसके लिए, वो सिर्फ इसके लिए। ट्रेन आर कितना परसेंट है 9% है, तो भाई 9 का मान कितना होगा 9 × 85। अब इस ट्रेन में पुरुष कितने हैं, तो भाई इस पूरे ये सब यात्री हैं, इनका 40%, तो गुणा 40/100, या फिर ये किसका मान होता है बेटा 2/5। अब करो, अब आंसर आएगा, सही कहा, ट्रेन की ही बात चल रही है। कितने पंजे 85, कितने पंजे 85, तो ठीक है याद तो है 17 × 85, तो बचा क्या क्या 9 × 17 × 2, 153, कुछ लोगों को याद है कुछ लोगों को याद ही नहीं है, 153 का दुगना करना है, 150 × 2 = 300 और 2 × 3 = 6, कितना होगा 306। आप सही है, 306 कौन पुरुष। टाइम ज्यादा हो गया यार, ये बात जो कोई कह रहा है टाइम ज्यादा हो गया, वो भी बाद में लगा रहा है सबटाइटल आज, इसका मतलब वो आज ही आया है, वो तो रोज ही होता जाता है, टाइम तो रोज ही ज्यादा होता है 306। बाकी क्वेश्चन आपको ग्रुप में हम लोग भेज देंगे, है भाई यार खत्म हो ग्रुप में।